एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय से पूरे जिले के करीब 200 जनसेवा मित्र भोपाल के लिए रवाना हुए। दरअसल 4 अगस्त को शाम के वक्त लाल परेड मैदान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन जनसेवा मित्रों से संवाद करेंगे। इन्हें प्रमाण पत्रों का वितरण भी होगा। साथ ही यह लोग अब ग्रामीण अंचलों में पहुँच करके शासन की योजनाओं को बताने का काम करेंगे। यह जनसेवा मित्र बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां पर शासकीय रूप से व्यवस्थित वाहनों से इन्हें भोपाल ले जाया गया, जिसमें युवक एवं युवतियां शामिल हैं। साथ ही अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं। यह जनसेवा मित्र आगामी दिनों में मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। फायदा तो नहीं देखा, बट जिनकी हम लोग सेवा कर सकते हैं तो वो का हम लोग जनता तक पहुँचाना होगा। हर एक योजना को और उनकी सेवा कार्य करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अपने कार्य के पर अनुभव होने का और साथ ही हम लोगों का विकास बहुत मौका मिलेगा। हम तो सोचे तुम विचार है जी। ये CMYIP प्रोग्राम के तहत ये बच्चे जा रहे हैं और जो जनसेवा मित्र हैं हमारे, ये जो जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं शासन की जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हित लाभ ले सकें, यही इसका पर्पस है कि ये लोग जाएं वहाँ पे सीखें और यहाँ पे जो धरातल पे उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन। किस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन ये लोग करेंगे फील्ड पर पहुँचकर? मैंने आपसे जैसा कहा, शासन की जो भी हितग्राही मूलक योजना है, जैसे हम लोग लाडली बहना को ही ले लेते हैं, तो ये लोग वहाँ पे जान के जब यहाँ आएंगे तो जो गांव-गांव में जाके सबको बताएंगे, जो लोग मान लीजिए लाभान्वित नहीं हो पा रहे, तो उनको भी उन योजना का लाभ मिलेगा। जैसे सपोज़ पेंशन ही है तो पेंशन किसी को दिलानी, तो ये लोग उस चीज़ को भी देखेंगे। जितनी भी योजना हितग्राही मूलक है उन सब का बचा। तो कितने जनसेवा मित्र भेजे जा रहे हैं? करीबन 200 जनसेवा मित्र जो है भोपाल के लिए अभी 4 बसेस निकल रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं? संपूर्ण व्यवस्था, ये सौरभ जो है इनके नोडल है, उनकी जो भी व्यवस्थाएं इन्होंने बोले थे, बस इसके साथ हम लोग भी भेज रहे हैं और अच्छे से भेज रहे हैं जी। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं, जो इनमें से दो तरह का ये हमारा दूसरा बैच का शुरुआत होने वाला है। पहला बैच जो हमारा था माननीय CM साहब के विजन पे लर्न बाय अर्न के मॉडल पर CMYIP के तहत प्रत्येक विकास खंड में पूरे मध्य प्रदेश के 15-15 जनसेवा मित्रों की नियुक्तियां पहले की गई थी पहले बैच में। तो पहले बैच के हमारे दमोह के 104 हमारे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र, और अभी जो हमारा दूसरा बैच उन्होंने 15-15 की और नियुक्तियों की उनका प्रोसेस पूरा हुआ है, और जो अभी नए 15 आए हैं तो 105 हुए, ऐसे 209 हमारे पूरे दमोह जिले से जो मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इनको नियुक्ति पत्र वितरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल में इनको नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे, और उसके लिए एक पूरा मॉड्यूल, पूरा ट्रेनिंग, एक कार्यक्रम एक दिन का 4 तारीख को वहाँ पर आयोजित है। तो उसके लिए यहाँ से दमोह से हम लोग रवाना हो रहे हैं। हमारे लगभग सभी जनसेवा मित्र सारे ब्लॉकों के यहाँ पे इकट्ठा हैं और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं वहाँ के लिए। क्या काम करते हैं जनसेवा मित्र? जनसेवा मित्रों का मुख्य काम है जो शासन की योजनाएं हैं, जो शासन की जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसको अंतिम हितग्राही तक पहुँचाने का ब्रिज का माध्यम का वो काम करते हैं। कि अगर किसी हितग्राही पर योजना का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है तो जानकारी के अभाव में तो उन तक जानकारियाँ पहुँचाना, योजनाओं का पूरा प्रचार प्रसार हुए जो शासन की हमारी योजनाएं हैं उनका प्रत्येक व्यक्ति तक वो हो सके। साथ ही ये अपने स्तर पर इस तरह के बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं जो अभी तक वांछित रहे, या किसी माध्यम से उनको पता नहीं है कि हमको इस योजना का लाभ लेना है तो किस माध्यम से हम लें, तो ये इनका ये पूरा। कितने छात्र हैं, कहाँ से, किस किस क्षेत्र से आए हैं? ये लगभग हमारे प्रत्येक ब्लॉक से जो पुराने हमारे जनसेवा मित्र हैं, तो अपने दमोह जिले के हमारे जो विकास खंड हैं, तो पुराने वाले 15 और नए वाले 15, ऐसे करके लगभग 30 एक एक विकास खंड से। लेकिन चूंकि आज बारिश का थोड़ा सा एक इशू रहा तो कुछ हमारे अभी नहीं भी जा पा रहे हैं जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम सौरभ भार्गव है, मैं यहाँ पर CM रिसर्च एसोसिएट के रूप में CM फेलो के रूप में यहाँ दमोह में पोस्टेड हूँ।
कौन से विभाग से रिलेटेड? ये AIGGPA के अंडर आता है, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, लोक सेवा प्रबंधन विभाग। कहाँ जा रहे हो, क्या? भोपाल जा रहे हम लोग, जनसेवा मित्र के तहत सिलेक्शन हुआ है एंड वहाँ से नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अभी नियुक्ति हुई क्या इसके पहले? नहीं नहीं, अभी रिसेंट नई नियुक्ति। क्या मान्य रहेगा उसमें, क्या बताया गया? एक्सपीरियंस है उसको, मान्य ही रहेगा क्या आगे जाके आपको उसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सहायता मिलेगी। किस तरह का काम आप लोग फील्ड पर जाकर करते हैं? जनसेवा मित्र का काम आपको जो योजना है उनका लाभ देने का है, बताने का है, जागरूकता फैलाने का काम है, इस टाइप का काम रहेगा। क्या मानती मुख्यमंत्री जी का ये काम किस तरीके का जी? मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो प्रदेश की बहनों के लिए, भाइयों के लिए कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम है, आगे ला रहे हैं, जो स्थिति पहले थी आज काफ़ी बेहतर है उसमें, अच्छा है काम। कुछ बोलना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री? अच्छे हैं, मानते हैं उनको, आइडल मानते हैं और सोचा है कि आगे भी वही हम लोग का साथ दें, जॉब दें, काम दें और प्रदेश की तरक्की करें। क्या नाम लिखते हैं? प्रियंका दुबे। राहुल राखियां, स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियां।